350 की। तो आप लोग पहले इसकी लॉन्चिंग देख के आइए, फिर अपन इसके सिनेमैटिक एंजॉय करें और फिर अपन अपन गाड़ी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार। जो रहता था जैसे कि आप ये देखो, यहाँ से रहता था, यहाँ पर बैंड पाइप यहाँ ख़त्म होती थी। आप बैंड पाइप को थोड़ा लंबा कर दिया और एग्जॉस्ट थोड़ा छोटा कर दिया, तो हर कंपनी के एग्जॉस्ट अब इसमें नहीं लगेंगे, जो कि रॉयल थोड़ी सही बात नहीं है। वैसे तो टाइम के साथ होने के बाद वो आ जाएंगे, लेकिन यार यहाँ पर हम लोग के साथ है ओजस दिया, तो ये आपको पूरी गाड़ी के बारे में बताएंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं इस गाड़ी में और कि मतलब माइलेज वाइलेज जो भी प्राइस चेंज हुआ है उस बारे में भैया बता देंगे आपको। तो भैया भी इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? बहुत काफ़ी चेंजेस किए कंपनी ने, वाइब्रेशन जो था पहले के मुकाबले अभी बहुत कम कर दिया वाइब्रेशन, और दूसरी चीज़ काफ़ी कुछ फीचर्स दिए हैं जिसमें सेमी डिजिटल मीटर में से इसमें डायमंड स्ट्रक्चर है वो मिलेगी आपको, डायमंड स्ट्रक्चर चेसिस मिलेगी जो काफ़ी ड्यूरेबल रहेगी, रिलायबल रहेगी, प्लस सेटिंग में काफ़ी कुछ फर्क किया है, और मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिलेगी इसमें आपको, और काफी कलर मॉडल के अंदर चेंज। बाकी जो अभी डिजिटल मीटर का है तो वो भैया बता देंगे कि क्या क्या है इसमें। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें डिजिटल मीटर में आपको फ्यूल बार ग्राफ मिलेगा, टाइम इंडिकेशन मिलेगा, इको इंडिकेशन मिलेगा, इसी के साथ साथ आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ भी मिलेगा। ये दिखा रहा हूँ ट्रिप एफ किस काम के आएगा, ट्रिप एफ आपका रिजर्व फ्यूल में कितनी चलती है गाड़ी वो इंडिकेट करता है।
और बाकी पीछे में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि टेल लाइट का ये जो पूरा सिस्टम है, टेल लाइट का सिस्टम चेंज किया हुआ है, हैजार्ड लाइट इनबिल्ट है। हाँ, और हैजार्ड लाइट जैसे हिमालयन पे आती है, हिमालयन में आती है और मीडियोर में वगैरह में, तो उसमें हैजार्ड लाइट का फंक्शन है तो इसमें भी दिया गया है। बाकी भी ये प्राइस का क्या है पूरा, मतलब बेस मॉडल टॉप मॉडल और कौन से एक्सेसरीज के प्राइस के अलग अलग वेरिएंट्स है, वो आपके कलर मॉडल प्लस डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर अपना जो ग्रीन कलर है मिल्ट्री ग्रीन, तो उसका क्या 238 जाएगा, वो पेगासस करके गाड़ी आती है, उससे इंस्पायर गाड़ी आती थी, उससे इंस्पायर करके बनाया हुआ, तो वो टॉप मॉडल है, मतलब नहीं नहीं वो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है। और अगर जैसे यहाँ पर एक्सेसरीज की किट आ रही है, जैसे कि इंजन गार्ड प्रोटेक्टर आ रहा है और भी जैसे जो भी एक्सेसरीज आ रही है, तो उसका अलग से प्राइस होगा, मतलब क्या क्या प्राइस? अलग अलग प्राइस है, और ये मतलब काफ़ी कुछ आप अदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसमें कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, इसमें जैसे 12 इंच है फॉर लोग बेटर, और ट्रिपल नेविगेशन वगैरह मिलेगा, इसमें 30 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, ये सब चीज़ें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मतलब ये क्लासिक में काफी चेंजेस है, और एक चीज और चेंजेस देखे हैं मैंने, जो कि यहाँ पर पहले आपको एक स्प्रिंग मिलती थी जिससे ये सीट हाइट है बहुत ऊपर हो जाती थी, सीट हाइट इसमें हल्की से कम की गई है राइडर कन्वीनियंट के हिसाब से, अब जो सीट हाइट है वो थोड़ी स्लोप में है ताकि आप जो राइडिंग पेन प्रॉब्लम, हाँ बैक पेन प्रॉब्लम ना आए, तो लॉन्ग रूट आप इजिली कवर कर पाओगे उससे। यार आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, और इसकी टेस्ट राइड वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है, 8 टेस्ट राइड वीडियो नहीं हो पाई थी क्योंकि भाई आप देख सकते हो कस्टमर बहुत सारे हैं इस वजह से, तो इसकी टेस्ट राइड वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी, तो मिलते हैं।